विष्णु पुराण में कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ युग क्यों माना गया है, तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म और वेदों में चार युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई। इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम कल्कि होगा। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की औसतन आयु 20 वर्ष रह जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़िया है, तो ऋषि ने वेद व्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। तो आइए जानें वेद व्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा है कि कलयुग सबसे धन्य और उत्तम युग है। श्री वेद व्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेद व्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनि जनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है।